कौन सा ग्रेसफुली वजीर आजम हाउस छोड़ के गए थे? टेकिंग हो चुकी थी उस वक्त, बुलाया हमें पीटीआई ने एक मीटिंग के लिए अपने बानी चेयरमैन के साथ। कुछ जर्नलिस्ट थे चले गए, और वो बनी गाला में हुई थी, आपको पता, उसके बाद तो जबान पर चले गए, लेकिन बनी गाला में जो शुरू में कुछ ऐसा रहे, ये उस वक्त की मीटिंग है। और जब मैं एंटर हुई, क्योंकि उससे पहले मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की थी, एकदम मुझे स्टार्क डिफरेंस लगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजिन, थैंक यू वेरी मच आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाजिन, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान की सबसे मुस्तनद और गैर जानबदार सहाफी फरीहा इदरीस। इन्होंने बहुत सारे इवेंट रिपोर्ट किए हैं, इन्होंने हुकूमतों को बनते बिगड़ते उतरते देखा है। ये उन सहाफियों में से हैं जो किसी जमात, किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पर्सनैलिटी को सपोर्ट नहीं करती, जो कि खालिस्तन जो है वो एक इम्पार्शल जर्नलिज्म करती हैं। थैंक यू वेरी मच फरीहा इदरीस आपके वक्त का। थैंक यू सो मच रिजवान चिराग, एंड थैंक यू सो मच इतने काइंड वर्ड्स के लिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फरीहा इदरीस। मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि आपके ऑफिस के बाहर जो है रऊफ हसन साहब, जो तहरीक इंसाफ के तर्जमान हैं, उनके ऊपर हमला होता है, आपने उस दिन क्या देखा, वो क्या मंजर था, किस तरह ये सारा सिनेरियो हुआ? क्योंकि ये आप तो जो कहते हैं आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, क्योंकि राइट इन द फ्रंट ऑफ योर ऑफिस ये सारा इंसिडेंट हुआ है। जनरल, आपने बहुत अच्छा किया कि ये टॉपिक हाईलाइट किया है, क्योंकि हमने भी इसको फिर प्रोफेशनल रिपोर्टर की हैसियत से ही कवर किया, या प्रोफेशनल एनालिस्ट के हैसियत से इसको कवर किया, बट जो उसकी स्टोरी है उसका एक ह्यूमन एंगल भी है। और हम हमेशा जब जर्नलिज्म स्कूल में थे तब भी यही पढ़ते थे कि हर स्टोरी का एक ह्यूमन एंगल होता है, उसको जरूर हाईलाइट करें। ये भी हमें बताया गया था कि रिपोर्टर शुड नॉट बिकम अ स्टोरी, बट दैट डे जीएनएन और हमारा स्टाफ और हम सब खुद ही एक स्टोरी बन गए। मैं उस वक्त ऑफिस में नहीं थी, क्योंकि रऊफ साहब आए थे सईद काजी साहब के प्रोग्राम पे, जो कि 7 बजे होता है, मगर उस दिन वो प्रोग्राम उन्होंने जल्दी रिकॉर्ड कर लिया अराउंड 5 o'clock। आप जानते हो, आप खुद इतना ज्यादा अरसे से इस फील्ड में हो, आपका खुद फर्स्ट हैंड इंटरेक्शन होता है गेस्ट से, कि रऊफ हसन साहब एक बहुत ही आप कह लें हम्बल किस्म के इंसान है, उनका कोई मसला नहीं होता। इवन जब वो गवर्नमेंट में एज एडवाइजर भी काम कर रहे थे, तो उनका कोई प्रोटोकॉल का, कोई उनके साथ लोग आ रहे हैं, कोई गनमैन आ रहे हैं, ऐसा कोई उनका तरीकाकार नहीं होता, खुद ही ड्राइव करके आ जाते हैं। इसी तरीके से वो आए हैं, आके उन्होंने प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया है और वो चले गए हैं। मैं जिस वक्त आ रही थी ऑफिस, तो मैं बिल्कुल उस वक्त पहुंची हूँ जब ये ऑलमोस्ट इंसिडेंट खत्म होने के करीब था। सो बट मैं थोड़ा सा, मुझे पेट्रोल चाहिए था, तो मैं पीछे की साइड पे चली गई। आई डिडंट रियलाइज कि यहाँ पे इतना रश क्यों है। जब मैं वापस पेट्रोल डलवा के आने लगी हूँ, उस वक्त मुझे मेरे प्रोड्यूसर की कॉल आई कि आप गाड़ी उधर मत पार्क कीजिएगा, आप स्ट्रेट अंदर ले आए, क्योंकि देयर इज अ सिक्योरिटी अलर्ट। तो उस वक्त तक खबर ब्रेक भी नहीं हुई थी, आई हैड नो आइडिया। मैंने पूछा क्यों, फिर उसने मुझे बताया कि रऊफ हसन साहब के ऊपर हमला हुआ है, एंड इट्स बैड, ही इज बैडली इंजर्ड। क्योंकि जो फर्स्ट एक रिएक्शन था सब लोगों का, जिन्होंने देखा, वो बहुत डीप कट है, और किसी को भी उस वक्त नहीं लगा कि ये ब्लेड का कट है। सबने मुझे, जिसने भी कॉल की, मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने भी की और कॉलिग्स ने भी की, उन सब ने मुझे ये कहा कि ये एक नाइफ उनको शायद लगा है, या डैगर लगा है, कोई वेपन लगा है। मैंने बल्कि पूछा उनसे कि क्या गोली लगी, और उन्होंने कहा नहीं गोली नहीं है, लेकिन उनका मुंह पूरा कट चुका है। सो ये बात सुन के मैं फिर गाड़ी अंदर ले आई हूँ। उस वक्त सब लोग बाहर खड़े हुए थे, लोग सबको बिल्कुल हॉस्पिटल में लेके उस वक्त ये लोग निकले हैं। मैंने सोचा मैं उनको जाके देखूँ, लेकिन ये लोग उस वक्त निकल गया। ऑब्वियसली उस वक्त फर्स्ट रिएक्शन यही था कि उनको सबसे पहले तो मेडिकल एड दी जाए। जब मैं अंदर आई हूँ, उस वक्त पूरे ऑफिस के अंदर एक खौफ व हरास था। सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, आप यहाँ पे आए हुए हैं ऑफिस में जरा, आपने देखा है कि हमारा जो ऑफिस है वो एक बहुत ही ज्यादा आप समझे वाइब्रेंट जगह के ऊपर है, बिल्कुल साथ एडजेसेंट हमारी गोमे बेकर्स है, बिल्कुल ऑपोजिट एक पार्क है, आप राइट साइड पे भी देखें तो वहां पे भी ऑफिसेज हैं, उससे आगे भी ऑफिसेज हैं, सो इट्स अ वेरी कमर्शियल हब। उसकी दूसरी साइड पे भी आप देखें तो रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पे गेस्ट हाउसेज हैं। कभी मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे किसी ने भी अनसेफ महसूस किया हो। जैसे कि मैंने पहले भी ये जिक्र किया था अपने प्रोग्राम में, मैं खुद अपनी गाड़ी उधर ही पार्क करती हूँ, और वो थोड़ी वॉक होती है, तो इट्स नाइस टू वॉक, हम वहीं से वॉक करके आ जाते हैं, सामने कभी कभार पार्क में चले जाते हैं वॉक करने के लिए। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का ऐसा कभी कोई इशू हुआ नहीं है। तो यकीनन सब शॉक में थे, सिर्फ हम लोग ही शॉक में नहीं थे, आपके हमारे जो दूसरे आसपास के ऑफिसर्स के स्टाफ थे
वो सब भी वहां पे जमा हुए थे। उस वक्त जब ब्लेड पॉइंट आउट हुआ, फिर मैंने भी ट्वीट किया कि ये ब्लेड है जिसकी वजह से ये अटैक हुआ है। बट हमारी एक कॉलीग है जो कि रोग साहब के साथ गए थे हॉस्पिटल, उन्होंने मुझे बताया, एक तो उन्होंने मुझे जो बात बताई और सब लोगों के जिन्होंने रोग साहब को देखा, कि रोग साहब ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया। इवन आई वाज सरप्राइज, यू नो, ही इज अ वेरी फ्रेल लुकिंग मैन, ही इज एन ओल्ड पर्सन, सीनियर सिटीजन है, लेकिन वैसे माशाल्लाह वो चाको चौबंद है। उन्होंने जब उनको अटैक हुआ भी है तो क्योंकि वो चलते इतना स्ट्रेट रहे हैं, तो मेरे ख्याल से किसी को उस वक्त तक इतनी इंटेंसिटी का आइडिया नहीं था। सबका ख्याल ये था कि मारा है उन्होंने, लेकिन जब उनका ब्लड नजर आया है तो एवरीबडी रियली पैनिक्ड। मतलब वो ब्लड में चलते हुए ऑफिस के अंदर आए हैं, जहाँ पे डॉक्टर शाहिद मसूद और सब लोगों ने उनको अटेंड किया, फिर उनको लेकर डॉक्टर शाहिद के कमरे में गए हैं। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आपको पता है मेडिकल डॉक्टर है, दे ट्राई टू सी कि क्या कर सकते हैं। फिर हुआ आइडिया कि ये तो बहुत डीप है, यू शुड गो टू द हॉस्पिटल। रोग साहब ने कहा कि क्या डॉक्टर को यहाँ बुला सकते हैं, बट एवरीबडी डिसाइडेड कि नहीं, इट लुक्स लाइक एन इमरजेंसी, ही शुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल। तो उनको भी हॉस्पिटल लेके गए हैं। मैंने पूछा आज रोग साहब से, मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ही हिम्मत देने वाला है, क्योंकि लिटरली नोबडी एक्सपेक्टेड कि इतनी ज्यादा हिम्मत हो सकती है। अभी आप पर अटैक हुआ है, एक अनएक्सपेक्टेड अटैक है, और ठीक ठाक ब्लीडिंग हुई है। जिस वक्त मैं आई हूँ तो स्टेयर्स के ऊपर ब्लड था रोग साहब का, एंड कंसिडरिंग कि अटैक तो दूर हुआ था, इट मीन्स कि वो वहां से चलकर जब स्टेयर्स पे आए हैं उस वक्त तक उनकी ब्लीडिंग हो रही थी और वो वहां पर पड़ा हुआ था। हमारे जो ब्यूरो हेड थे, हम सब ने भी ये डिसाइड किया कि किसी चीज को नहीं छेड़ेंगे, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की है। सो एवरीबॉडी लेफ्ट देयर ब्लेड देयर, जो आपने देखा है, जो इसकी पिक्चर सोशल मीडिया पे वायरल है। yes. लेकिन आज भी जब मेरी रोग साहब से भी बात हुई और डॉक्टर जो अटेंड कर रहे थे उनको, ही रिफ्यूज टू बिलीव कि ये ब्लेड अटैक है। उसने कहा कि ब्लेड से ऐसे नहीं काट सकते आप। एंड देन एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि उस ब्लेड के ऊपर कोई ब्लड भी नहीं है, अगर उससे काटा होता तो उसके ऊपर कोई ना कोई ब्लड का स्टेन जरूर होता। सो ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या ब्लेड के साथ कुछ और यूज किया, या अगर ब्लेड से किया तो बहुत ज्यादा, आप देखिए उनका गहरा 1 inch डीप है उनका जो कट है, एंड इट्स वेरी क्लोज टू हिज जुगुलर वेन। सो अगर लेट्स से कि वो लोग डराने ही आए थे और नाराजगी का इजहार करने आए थे, उनका मारने का इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर वो गलती से थोड़ा सा भी नीचे हो जाता तो इट कुड बी इंस्टेंट डेथ। सो काफी सब परेशान हुए एंड काफी सब उस दिन उदास उदास। अल्लाह ताला उनको सेफ तंदुरुस्ती दे। अच्छा फिर दूसरा बड़ा अहम सवाल ये है, क्योंकि आप इस्लामाबाद में बैठी हैं, बड़ी बाखबर सहाफी भी हैं, आपके पास बड़ी इनसाइड स्टोरीज भी होती हैं, मुझे ये बताएं कि आपको लग रहा है कि तरीके इंसाफ जो है अब अपने जो है वो अच्छे टाइम की तरफ चलना शुरू हो गई है, उनका अच्छा टाइम आ गया है, हमाद अजहर सामने आ गए हैं, परवेज लाई की रिहाई हो रही है, इमरान खान को रनीफ पे रनीफ मुकदमात में मिलना शुरू हो गया है, 29 को जो है वो इज्जत वाले निकाह का जो है वो फैसला आना है, तो क्या आप फोर्सी कर रही हैं? देखिए रिलीफ नजर तो आ रहा है, मुश्किल, एक तो एक शेर आपने शायद सुना हो, मुश्किल इतनी पड़ी मुझ पे कि आसा हो गई, कुछ उनको शायद आदत भी हो गई है। पहले आपको पता है कि जिस वक्त शुरू शुरू में मामला शुरू हुए थे तो पीटीआई बहुत ज्यादा रिएक्ट करती थी, क्योंकि पीटीआई को लगता था, अब जो भी कह ले सितम जरीफी है पाकिस्तान की सियासत है, उनको लगता था कि ये तमाम मसाइल दूसरी जमातों के लिए है, हम तो बिल्कुल एक अलग जमात है, हमारे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो एक तासुर भी था लोगों का, जहाँ पे पीटीआई का ये तासुर गलत साबित हुआ कि वो इसके अनटचेबल नहीं है, इसी तरीके से बाकी लोगों का भी ये तासुर खत्म हुआ कि ये एक मम्मी डैडी जमात है, उनके पॉलिटिकल वर्कर ने तकलीफ भी उठाई, मार भी खाई, उन्होंने गलत काम भी किए, उसकी सजा भी भुगती। सो एक प्रोसीजर से वो निकल कर आए हैं। सो आई थिंक एक तो कमिंग ऑफ एज भी हुई है, कुछ मेच्योरिटी आई है इस हवाले से कि समझ आ गई है कि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गेम, अगर मिनिस्ट्रीज है तो फिर जेल भी है, उसकी रिपरकशन भी है। दूसरा हमने देखा कि शदीद क्रैकडाउन हुआ, 9th में इज अनफॉरगिवेबल, यकीनन हमें साफ तौर पे नजर आता है जो उसमें हुआ, जो जो इन्वॉल्व्ड है उसको सख्त सजा दी जाए, और उसके बाद उसका रिपरकशन ये आया कि एक साल के लिए बिल्कुल पीटीआई आप समझ लें कि एक किस्म की हाइबरनेशन में गई है। तो और वो उनका उस वक्त मुझे जो मेरा एनालिसिस है उस वक्त उनका एक ही हदफ था कि हमें किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन मिल जाए, इलेक्शन आगे ना हो। जब इलेक्शन हो गया अब पार्ट टू स्ट्रेटजी की तरफ वो गए हैं, उन्होंने थोड़ी सी बैकडोर बातचीत भी शुरू की है,
थोड़ा सा माहौल ऐसा किया है, वो पार्लियामेंट में आए हैं, खुद ही गलती की थी पार्लियामेंट से चले गए, अब पार्लियामेंट में वापस आए हैं, उनको थोड़ा सा अंदाजा हुआ है अपनी पॉलिटिकल पावर का, और उस पॉलिटिकल पावर और पॉलिटिकल कैपिटल को उन्होंने रिगेन करने की कोशिश की है, जो कि अच्छी बात है। आप देखिए पार्लियामेंट में स्पीच होती है, सेनेट में स्पीच होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, इट्स लाइक लिटरली नाउ वर्किंग इन ए मच बेटर पोजिशन, जबकि वो पहले ऐसा वक्त था कि पीटीआई का कोई गेस्ट भी आपको नहीं मिलता था, कोई आपको उनके हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं थी, फिर एक ब्लैंकेट बैन है उनकी लीडरशिप के ऊपर जो कि बड़ा सख्त हुआ, लेकिन अब आप आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं उनकी स्टेटमेंट से, यहाँ तक कि अदालत में उनको पेश होने का मौका मिला जबकि जेल से ही था, बट स्टिल एक दिन था जिस दिन उनके वर्कर को बड़ा चार्ज अप होने का मौका मिला। और यस, केसेस में भी अब मामला आपको नजर आते हैं क्लैरिटी की तरफ जाते हुए, इसमें से मोस्टली केसेस जनरल नजर आ रहे थे जिस तक बनाए जा रहे थे कि इनमें से ये इतने ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकेंगे। आपको देखिए राणा सनाउल्लाह साहब ने ये बात कह दी थी कि कोई भी एक्चुअली कोर्ट एंड कोर्ट ही सेड दैट कि कोई भी सही जज आ जाएगा तो ये नहीं सस्टेन करेंगे, तो एक मैटर ऑफ टाइम होता है जिस तक वो केस चल सकते हैं, उसमें आप कितना खेल सकते हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ, जो इद्दत का केस है ना, वो नॉट बिकॉज इट्स पीटीआई, नॉट बिकॉज इट्स पीटीआई लीडरशिप, नॉट बिकॉज इट्स बुशरा बीबी, जस्ट बिकॉज इट्स अ केस ऑफ अ मैन एंड अ वुमन हु रीमैरिड, स्पेशली अ वुमन हु रीमैरिड, मुझे बहुत दुख है इसके ऊपर। इसमें इतने लूप होल्स हैं इसके फैसले के अंदर कि आपने पूरा हक दे दिया है, कोई भी पैदा शौहर जिसकी बीवी उससे तंग होकर गई होगी उसको आपने कटहरे में खड़ा कर देना है, कोई भी पुराना शौहर निकल कर आके आपको किसी वक्त भी कोई भी इल्जाम लगा दे, बहुत ही अफसोसनाक फैसला ये। आई थिंक हमने रिग्रेस किया, वुमेन राइट्स के हवाले से रिग्रेस किया, इसको तो जरूर ही रिवर्स होना चाहिए, बाकियों का तो द लॉ विल टेक इट्स कोर्स, दिस इज माय ओपिनियन। बिल्कुल ठीक है। फिर आप बड़ी मुस्तनद साफी हैं, आप हर इवेंट रिपोर्ट करती हैं, 9 अप्रैल का वाकया हुआ, आप तब वज़ीरे आज़म हाउस में थी, अब मुझे ये बताइए कि जो इमरान खान के हवाले से होता था कि ये बंदा जेल नहीं काट सकता, ये तो पता नहीं कोई नशा करता है और ये तो बंद कमरे में नहीं रह सकता, आपको ये तवक्को थी कि खान साहब इतनी एलिगेंस के साथ जेल काटेंगे? देखिए मुझे तो बहुत सारी चीजें तवक्को की बात नहीं होती, बात ये होती है कि आपका सिस्टम से क्या उम्मीदें हैं। मेरी अभी भी ये उम्मीद है कि सिस्टम ही से नतीजा निकलेगा, सिस्टम ही को रिफॉर्म करके हम मामला ठीक करेंगे, लेकिन जनरली ये बात हम कहते तो हैं कि जेल काट के दिखाएं और आपकी जो सियासतदान है उसको टफ होना चाहिए। मेरा ख्याल से हमें ये थोड़ी सी रवायत को तब्दील भी करना पड़ेगा, हम हर किसी को इस तरह से टेस्ट नहीं कर सकते कि वो जेल में कितने अरसे गया, या जेल जाना कोई बड़े फख्र की बात है। आप देखिए बाहर की दुनिया में जो जेल जाता है उससे नफरत की जाती है, उसे बुरा समझा जाता है, क्या वजह है पाकिस्तान में ये आपके लिए हीरोइज्म की अलामत बन जाता है? इसका मतलब है आपके सिस्टम में देयर समथिंग रॉन्ग, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कहीं पर, चाहे आपका जुडिशल रिफॉर्म्स लेके आए, दीगर मामला में ठीक करें हालात को, लेकिन ये सिस्टम ठीक होने की जरूरत है। जेल काटी, अच्छी काटी, बुरी काटी, भाई जेल काटे, अगर जस्टिस हुआ है उस शख्स की जेल बनती है तो वो काटे, जैसे मर्जी काटे, लेकिन अगर हम ये समझ रहे हैं कि पॉलिटिकली हमने ये बना दिया है एक तरीका कि आपका जो भी प्राइम मिनिस्टर है उसने जेल में जाना है, आप सोचे ना आपकी इससे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर भी जेल ही में थे, नवाज शरीफ साहब भी तो जेल में थे, जेल में चले गए, शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी जेल काट कर आए हुए हैं, सो जेल ने तो सबने काटी, हमारे प्रेसिडेंट ने जेल काटी है, ये पूरा जो एक रिवायत है मेरे ख्याल से एवरीबॉडी नीड्स टू सिट डाउन, और जवाब पॉलिटिकल सेटअप से ही आएगा एंड दे हैव टू फाइंड अ वे आउट। एज फार एज इमरान खान इज कंसर्न्ड, यस, क्योंकि खुद खान साहब ने भी ये बात कही थी एक मीटिंग में कि मैं जेल नहीं काट सकता, मुझे सफोकेशन होती है। He said कि हमारी फैमिली को आदत है खुली खुली माहौल में बैठने की, आपको पता ही है वो गार्डन में बैठते हैं, रनिंग करते हैं, एसी की उनको आदत नहीं है, He likes to sit outdoors. So, मेरे लिए छोटे कमरे में बैठना मुश्किल होगा। So, एक था उनके बारे में तासुर, उन्होंने खुद भी ये बात बताई थी कि मे बी इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम, लेकिन जो इतलात है, आपकी बात हुई होगी जलाल, जो वहां पे उनके आस पास लोग हैं जो बताते हैं कि उन्होंने जेल काटी भी है, एक्चुअली उन्होंने शायद बड़े हद तक उसको
अपने आप को अकोमोडेट भी किया, एक्लेमेटाइज भी किया, किताबें पढ़ने में टाइम गुजारा, एक्सरसाइज में टाइम गुजारा। वैसे मैंने बाकी भी काफ़ी लोगों के बारे में, जेल के बारे में पूछा है, जो इतलात हैं, हमजा शहबाज के बारे में भी मुझे बताया था उनके जो क्लोज बाय लोग थे कि वो बहुत कुरान पढ़ते थे जेल के अंदर, somebody told me that। अब ये वेरीफाई हो कि ना हो, मरियम नवाज के बारे में भी पता चला कि उन्होंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं जेल के अंदर। सो जेल काटी है इन लोगों ने और सबने ही काटी है। एंड यस, यू कैन से इमरान खान साहब ने गलत साबित किए हैं जो जो अच्छे थे। आप क्योंकि इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं, मेरा ये सवाल है, दो सवालों के इकट्ठे जवाब दे दें। सुनने में ये आ रहा है कि तरीके इंसाफ पे शायद पाबंदी लगा दी जाए, और दूसरा मौलाना फजल रहमान के साथ ये जो इत्तेहाद जो है वो कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि तरीके इंसाफ अपना बयानिया जो है वो मौलाना साहब को डीजल डीजल और जिस तरह के अलकाबात देते रहे हैं, और ये इसका नुकसान होगा, उनका वोटर जो है वो मायूस होगा इनकी स्ट्रेटजी से? देखिए, मैं पहले मौलाना फजल रहमान वाली बात कर लेते हैं। मुझे पता है, ये मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ कि इंतहाई किस्म का ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों तरफ, मौलाना फजल रहमान की तरफ भी और इमरान खान साहब की तरफ भी। जो लोग उनसे मिलकर आए थे कल, खास तौर पे अली मोहम्मद खान साहब थे और लोग थे, उनसे खुल के मैंने पूछा, वो दे वर नॉट सेइंग कि हमें ट्रस्ट है, ट्रस्ट बिल्डअप होगा। आज मौलाना ने भी गारंटीज मांग ली हैं। गारंटी का मतलब क्या है? मतलब ये कि मेरी जो समझ आई उसमें वो ये कि आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान ने तो सारा होमवर्क करके दिया था नवाज शरीफ साहब को भी। उनको ये लगता है कि ऐसा ना हो कि फिर बाद में कोई बातचीत हो, कोई मामला तय पा जाए आप लोगों के और मुझे ना शामिल किया जाए। जैसे मौलाना फजल रहमान को लगता है कि उनको शामिल नहीं किया गया, जब भी पीडीएम की और दीगर पार्टीज की रिलीफ की बात हुई उसमें वो शामिल नहीं थे, उनकी जमात शामिल नहीं थी। यही खदशा उनको अब पीटीआई से भी है और ये एक जेन्युइन खदशा है। इस वक्त मुझे नहीं लगता किसी को भी इस बात से फिक्र पड़ रही है कि मुझे डीजल कहा या मुझे ज्यूइश लॉबी कहा। मामलात इससे बहुत आगे जा चुके हैं, दोनों को अंदाजा है कि उन्होंने बहुत ज्यादा लूज किया है, अपना अपना नुकसान किया है। लेकिन दोनों पार्टीज को थोड़ा सा अलग करके देखें तो जेयूआई का नुकसान ज्यादा हुआ है। इस वक्त पीटीआई उस उतनी बैकवर्ड पोजीशन पे नहीं है जितने के मौलाना फजल रहमान है। मौलाना फजल रहमान की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, उनके मदारिस हैं, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट था खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान, वो सबको डेंट तो पीटीआई ने मोस्टली डाला है। अब उन्हीं के साथ उन्हें बैठना है, लेकिन आई एम श्योर मौलाना बहुत ज्यादा समझदार सियासतदान है, एक सोची समझे तरीकेकार है। मुझे लगता है मौलाना फजल रहमान को ये भी आइडिया है कि जो बहुत ज्यादा सख्तियां आई हैं पीटीआई चेयरमैन पे, और वो खैबर पख्तूनख्वा के सियासत को समझते हैं, बलूचिस्तान की सियासत को समझते हैं, इन इलाकों में तो बहुत नुकसान हुआ है उन जमातों को जो कि दूसरी साइड पर थी। लोगों के अंदर एक तासुर है कि जिसके ऊपर तकलीफ आए वो उसके साथ जाके खड़े हो जाते हैं, तो वो इस तासुर को भी कम करना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि मैं खड़ा रहा। आपको याद होगा कि इवन इलेक्शन से पहले भी मौलाना फजल रहमान का ये स्टेटमेंट आया था कि मुझे मजा नहीं आ रहा है इस इलेक्शन में, मेरे अपोनेंट को तो आपने हाथ पांव बांध कर डाल दिया जेल में। सो इस वक्त आप देखें सबसे ज्यादा तनकीद मौलाना फजल रहमान करते थे पीटीआई पे, ना पीएमएलएन ने उतनी की ना पीपल्स पार्टी ने की, लेकिन पीटीआई उनसे बात करने को तैयार नहीं है और मौलाना के साथ बात करने को तैयार है, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट है, उसमें टाइम लगेगा। बिल्कुल सही है। आखिरी सवाल, छोटा सा मुख्तसर जवाब दे दे, लंबे नहीं। 9 अप्रैल को खान साहब ग्रेसफुली वजीर आजम हाउस छोड़ के गए थे, बंदा नहीं यार मैं रुक जाऊं थोड़ा सा। There's nothing graceful जब कोई प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत जारी होती है, it's literally ये मेरे ख्याल से एक परेशान कुन दिन ही होता है। लेकिन yes, हमने जहाँ पे हम वहीं पे मौजूद थे, जो हमने देखा वो यही देखा कि कोई, बल्कि एक और बात बताती हूँ आपको, इसको छोड़े 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल के बाद भी तो मीटिंग्स हुई हैं जर्नलिस्ट के साथ, जिस तक गवर्नमेंट जा yes, चुकी थी, दूसरी yes, गवर्नमेंट बन चुकी थी पीटीएम की, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ओथ टेकिंग हो चुकी थी, उस वक्त बुलाया हमें पीटीआई ने एक मीटिंग के लिए अपने बानी चेयरमैन के साथ। सो कुछ जर्नलिस्ट थे चले गए और वो बनीगाला में हुई थी, आपको पता उसके बाद तो जबान पार्क चले गए, लेकिन बनीगाला में जो शुरू में कुछ ऐसा रही है उस वक्त की मीटिंग है। और जब मैं एंटर हुई, क्योंकि उससे पहले मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की थी, एकदम मुझे स्टार्क डिफरेंस लगा कि पहले ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे, अब ये यहाँ पर है,
इतनी जुबिलेशन थी, इतनी खुशी थी, खुद जब खान साहब आए उनकी भी इतनी खुशी थी, जो कि सबने क्वेश्चन किया कि आप इतने खुश क्यों हैं, लोग हुकूमत से उतर के यूजली परेशान होते हैं, बट उनको ये लग रहा था पीटीआई को कि हम में जो पॉपुलैरिटी मिली है, देखिए हुकूमत जाने के एक दिन बाद जो संडे की कॉल थी उस पर लोग निकले थे, उसने मुझे लगा कि एक खुशी डाल दी पीटीआई के अंदर. सो मैंने ऑपोजिशन में उनको ज्यादा स्ट्रांग देखा है एज कम्पेयर टू बींग इन द गवर्नमेंट. बिल्कुल सही कह रही आप, क्योंकि डेफिनेटली ये इतनी आवाम ही है जो खान साहब इतने जो मजे से जेल काट रहे हैं, इतने जज्बे और बलबले के साथ, कोई भी नहीं काट रहा, उन्हें पता कि आवाम मेरे साथ है. आखिरी सवाल, आपको ये हुकूमत चलती नजर आ रही है? देखिए मैंने अभी कहा कि किसी भी हुकूमत का जाना कोई अच्छी खबर नहीं होती है. मुझे लगता है कि अभी तो सस्टेन करेंगे, अभी ऐसा चूंकि कोई बहुत बड़ी थ्रेट नहीं है. पीटीआई के अपने अंदर बहुत ज्यादा इस वक्त तकसीम है. JUIF अगर उनकी बेस्ट बेट है तो आपको क्लियरली नजर आ जाता है कि उनके पास कोई इतनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट नहीं है. जमात इस्लामी कभी आपको यही माजी रहा है, कभी आते हैं कभी पीछे चले जाते हैं. नए उनके हैं इस वक्त जो हेड हैं जमात इस्लामी के, जो अमीर हैं, वो आपको याद होगा जिस वक्त बड़ी मुश्किल में थी पीटीआई वो चले गए थे मिलने के लिए खान साहब से. लेकिन ये भी याद रखिए कराची हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, कहीं भी हो, जमात इस्लामी का डायरेक्ट जो कॉन्टेस्ट है वो पीटीआई के साथ है, किसी और जमात के साथ नहीं है, जहां जहां उनका बेस है. सो ये पॉलिटिक्स की गेम होती है, कोई भी अपने हरीफ के साथ जाके क्यों मिल जाएगा एक ऐसे वक्त में जब उसको पता है कि कल को ये स्ट्रांग होकर आएगा तो मुझे नुकसान होगा. सो इस वक्त कोई ऐसा सपोर्ट मुझे बहुत बड़ी या स्ट्रेंथ ऐसी नजर नहीं आ रही जो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान दे सके. पीपल्स पार्टी और PMLN बिल्कुल इकट्ठे हैं, बाकी लोग भी उनके साथ हैं. इट लुक्स लाइक द विंड्स आर विद देम, सो सस्टेन करेंगे. लेकिन जो मेन चैलेंज है ना वो आपको आएगा अभी जब जब गर्मी बढ़ेगी, बेल्स आएंगे, इन्फ्लेशन का इशू है, ये वाले मेन चैलेंजेस है. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रेस्ट, फॉर योर टाइम. नाज़रीन इजाजत दीजिए, आपने सारे करंट इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान की मुस्तैद सहाफ़ी फरियाद रईस की बातें सुनी. एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़.